नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस कमाल की वीडियो में और अपने चैनल स्पेशल टैग पर। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Y1 की। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो Redmi Y1 की आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि नया वाला फोन लेने के लिए वो भी एक बजट फोन, तो ये वाला फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हो उस फोन के बारे में तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं फोन के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यह है Redmi Y1 का बॉक्स। इस पे आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है Redmi Y1 लिखा हुआ यहाँ पे बाई Xiaomi, यानी कि Xiaomi के द्वारा यह प्रोवाइड कराया गया वाला फोन। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इंडिया नंबर वन यहाँ पे MI। और जब आप बैक साइड देखते हो इसकी तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है मेड इन इंडिया, जो कि अच्छी बात है, एक मेड इन इंडिया। और यहाँ पे आप देख लीजिए 5.5 का इसका स्क्रीन है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका जो फ्रंट वाला है, और पीछे का कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। 435 के स्नैपड्रैगन इसका जो प्रोसेसर है, जो कि ओक्टा कोर का प्रोसेसर बहुत अच्छा है। 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल मेमोरी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फोन है ना वो बहुत जल्दी चार्ज होता है, ये मुझे बहुत खास बात लगी इस फोन में। और ये वाला जो फोन है आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे जितने भी इसमें सेंसर है वो सारे सारे यहाँ पे सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और आगे भी फ्लैश है इसमें, पीछे भी फ्लैश है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं सिंपली, और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अंदर क्या क्या निकलता है। तो यहां से हम इसे ओपन कर लेते हैं सिंपली बॉक्स को। बॉक्स को दोस्तों ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को दोस्तों ओपन करने के बाद यहां पे सामने हमें देखने के लिए मिल जाता है Xiaomi का ये फोन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है आगे से। और जब हम यहां से इसे हटा देते हैं तो ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, पीछे वाला फोन आप देख लीजिए यहां से, पीछे से कुछ इस तरीके से और सामने कुछ इस तरीके से। फोन को मैं साइड में रख देता हूं पहले। और यहाँ पे कुछ मेन्यू बुक्स मिल जाती हैं जिनको आप पढ़ के यानी कि रीड करके और अपना फोन यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कुछ ये बिल, जो कि अमेजन से मैंने फोन मंगाया था, तो ये बिल है। ये वाला जो बिल है ये मुझे जो फोन पड़ा था, मैं आपको बता दूं इसकी कीमत बताऊं सबसे पहले। ये वाला बिल है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जो कीमत है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मुझे पड़ा था 8,999 रुपये का, जो कि 9,000 रुपये के लगभग है। तो इसे हम साइड में यहाँ पे हटा देते हैं और इसको भी यहाँ पे साइड में हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इसकी डाटा केबल है, जो कि ज्यादा लंबी नहीं है यार, काम चल जाएगा बस इतना है। और यह इसका चार्जर, ये चार्जर इसका जो कि नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, नॉर्मल चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट यार दोस्तों जो और मोबाइल होते हैं उनका चार्जर होता है, बहुत ही जल्दी ये वाला चार्जर चार्ज कर देता है ये वाला इस वाले फोन को। तो हम चार्जर को यहीं पे रख देते हैं साइड में, यहाँ पे चार्जर को रख देते हैं साइड में यहाँ पे। और यहाँ पे आपको और क्या मिलता है देखने के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे दोस्तों, और तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, और तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो डिब्बे को यहाँ पे साइड में हटा देते हैं। और दोस्तों ये तीन चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला डब्बा भी साइड में हटा देता हूँ और ये वाला जो इसे साइड में हटा देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ अब दोस्तों, ये है और ये जो फ्रंट कैमरा हमारा, फ्रंट वाला कैमरा है, ये लाइट है, ये सेंसर, सॉरी यार, ये फ्रंट कैमरा है, ये सेंसर है, ये लाइट है, जो कि जिससे कि आप सेल्फी ले सकते हो, बहुत अच्छी सेल्फी ले सकते हो। और ये वाला जो मेटल की डिस्प्ले नहीं है इसकी, इसकी प्लास्टिक की डिस्प्ले है, मगर ये दिखता सेम मेटल की तरह है, यानी कि आपको मेटल का अनुभव करा के करा देगा यार ये वाला फोन, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 3.5 का ऑडियो जैक मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सेंसर, मिल जाता है ये वाला सेंसर, और क्या नाम है, ये है आईआर ब्लास्टर, जो कि जिससे कि आप अपनी टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्लैश, LED फ्लैश है ये वाला, और 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, ये वाला 16 का आगे वाला, ये वाला 13 का है। यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग देखने के मिल जाता है, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है MI। और ये पावर का बटन देखने को मिल जाता है, ये वॉल्यूम अप,
वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पे आपको स्पीकर और पिन है, चार्जिंग पिन, और ये माइक ये देखने के लिए मिल जाता है। सिंपल ही और कुछ नहीं है, बस अब मतलब इस वाले फोन को हम ओपन कर लेते हैं और बताता हूँ आपको इसे ओपन करके। जब आप इसे ओपन करोगे तो सिंपली EMI यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो EMI लिखा हुआ है, ये EMI लिखा हुआ है, और ये एंड्रॉइड पावर ऑन एंड्रॉइड चल रहा है कुछ ऐसे। ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा। दोस्तों यहाँ पे आपको MIUI 9 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही अभी लेटेस्ट है, और ये अभी ये पिन है जो कि अभी मैं भूल गया था इसे आपको बताने के लिए इससे क्या होगा। इसे दोस्तों यहाँ पे डालिए, यहाँ पे डालिए इसे, और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है सिम चिप, यानी कि डबल सिम आप यहाँ पे स्लॉट कर सकते हो और एक चिप डाल सकते हो। ये दोस्तों Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है, फर्स्ट बार किया है कि आप इसमें दो सिम और एक चिप एक साथ डाल सकते हो, ये दोस्तों इससे पहले नहीं था। तो हम यहां से सिंपल इसे दोबारा से लगा देते हैं, ये लग चुका है यहां पे। अब मैं आपको बताता हूं इसे ओपन करके, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पे यहां पे कर दीजिए क्लिक ऐसे करके, और क्लिक करके यहां पे आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए। तो यहां से सिंपल इसे रहने देता हूं और यहां से आगे बढ़ाता हूं इसे। आगे बढ़ाने के बाद मैं अपना कंट्री यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं इंडिया, यहां से कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूं इंडिया, इंडिया इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे ये स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होने के बाद जीबोर्ड बोल रहा है, तो हमें इस पे ही क्लिक कर देना, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ पे स्कीप पे क्लिक कर देना है। इस स्कीप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चेकिंग, यानी कि इंसर्ट सिम बता रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको सिंपली, और नो पे क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, बस कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते एग्री पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। और ये आप जो आप देख रहे हो यहाँ पे थीम, जोन सी थीम आप रखना चाहते हो वो सी थीम आप रख सकते हो, मगर मैं इजी वाली थीम को रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इस पे आगे बढ़ जाता हूँ। लोडिंग एप्स, यानी कि लोडिंग एप्स हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग एप्स चल रहा है, लोडिंग एप्स। दोस्तों तब तक यहाँ थोड़ा लोडिंग एप्स होता है, मैं वीडियो को यहाँ से कट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे फोन ये वाला ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको ओपन करते ही कुछ Xiaomi का जो लुक होता है वही लुक देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं सेटिंग में ले जाता हूँ आपको सिंपली, सेटिंग में ले जाने के बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ अबाउट में, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Redmi, इसके बाद Redmi Y1 जो कि एक मॉडल नंबर है इस फोन का, और 7.1.2 ये एंड्रॉइड वर्जन है, और एंड्रॉइड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे 2017 का है, MIUI वर्जन यहाँ पे रन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये वाला फोन MI ने फर्स्ट बार किया है इंडिया के अंदर, और ये ओक्टा कोर का प्रोसेसर है 1.4 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। 3 GB यहाँ पे आपको रैम देखने के लिए मिल जाती है, 32 GB की इंटरनल देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आप 23 GB को यूज कर सकते हो, और ये आपको आपको बहुत सारे फीचर देखने के मिल जाते हैं। मगर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसे बैक करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डुअल एप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है, यानी कि आप इसमें डबल ऑप्शन, यानी कि सॉरी यार डबल एप्स को यूज कर सकते हो एक साथ, और ऐप लॉक की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि किसी किसी फोन में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ते हैं तभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना, ताकि वो भी जान सके इस फोन के बारे में। अगर आप इस फोन से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई अवश्य दे दूंगा। दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय। मगर दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप और वीडियो ऐसी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड कलर वाली बटन को दबाकर, और साइड में जो घंटा का बेल आइकन उसे भी ऑन करके जाना, क्योंकि अगर आपने घंटा ऑन नहीं किया तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी और आप हमारी वीडियो नहीं देख पाओगे। तो मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय।